नरसिंहपुर जिले के इतिहास में सबसे बड़ा बैंक फर्जीवाड़ा। करेली बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करेली में लाखों के फर्जी लोन के मामले में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को फिर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। इतने बड़े पैमाने पर लाखों के लोन शाखा प्रबंधक एवं भाजपा नेता के द्वारा फर्जी तरीके से खाता धारक को गुमराह कर बैंकिंग नियमों के ताक पर रखकर आम जनता के साथ विश्वास सरेआम खिलवाड़ किया गया। खाता धारक के द्वारा थाना करेली में शिकायत के बाद कार्यवाही नहीं हुई। मामला नरसिंहपुर जिले के करेली तहसील में स्थित ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसमें धर्मेंद्र उपाध्याय नामक व्यक्ति ने नवंबर 2017 में 1000 रुपए से बचत बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करेली से लोन लेने के उद्देश्य से खोला था। साथ ही परिवार और रिश्तेदारों के हस्ताक्षर कराकर 30 ब्लैंक चेक शाखा प्रबंधक अनवेश मिश्रा को दिए थे एवं शाखा प्रबंधक के कहने पर जुलाई 2018 में 4 किस्तों में 14,63,816 रुपए FD के रूप में भी जमा किए थे और शाखा प्रबंधक ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराकर 12 दिनों बाद बैंक से लोन फाइनेंस होने का आश्वासन भी दिया। 15 दिनों बाद जब खाता धारक शाखा प्रबंधक के पास पहुंचा तो शाखा प्रबंधक ने भाजपा नेता हर्षित लुनावत के संपर्क करने को खाता धारक से कहा। खाता धारक जब लुनावत परिवार से मिला तो उसके होश ही उड़ गए। हर्षित लुनावत ने खाता धारक को बताया कि तुम्हारा लोन तो मैंने जनवरी 2018 को ही पास करा लिया था और आपसे फॉर्मेलिटी के कागज जुलाई 2018 में लिए जा रहे थे। साथ ही धमकाते हुए बोले कि हम आपका आप चुप रहिए, समय रहते हम आपकी FD को पैसे लौटा देंगे। अगर तुमने इस मामले को उजागर किया तो तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों को चेक बाउंस करवा कर जेल भिजवा देंगे। पीड़ित खाता धारक का आरोप है कि शाखा प्रबंधक अनवेश मिश्रा और भाजपा नेता गौतम लुनावत, हर्षित लुनावत, अंशुल लुनावत की मिली भगत से मेरे नाम से 4 और अन्य खाते खुलवा लिए जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है एवं मेरे नाम से लोन की राशि 30 लाख रुपया, FD की राशि भी उन्हीं खाते में ट्रांसफर करके निकाल लिए जिसकी मुझे भनक तक नहीं लगी। मेरे द्वारा मात्र जो मैंने 1000 की राशि जमा की थी वह मेरे द्वारा जो FD में पैसे जमा किए थे दस्तावेजों पर मैंने हस्ताक्षर किए थे, इसके अतिरिक्त ना ही मैंने किसी अन्य किसी कागज पर हस्ताक्षर किए और ना ही बैंक से मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की राशि आहरण की गई। आज शाखा प्रबंधक एवं भाजपा नेता द्वारा चेक बाउंस कराकर बैंक के माध्यम से मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं कि पीड़ित के द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत थाना प्रभारी करेली एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर एवं CM हेल्पलाइन 181 पर भी की गई, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज मजबूरन मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय नरसिंहपुर से शिकायत की गई जिन्होंने जांच करने का आश्वासन दिया और दोषियों पर कार्यवाही करने की बात भी कही, लेकिन मीडिया ने जब शाखा प्रबंधक करेली एवं लुनावत परिवार से संपर्क किया तो उन्होंने नो कमेंट बोल दिया। इस पूरे मामले में से बैंक प्रबंधन, पुलिस प्रशासन तथा प्रशासन की कार्य प्रणाली से संदेह के घेरे में है। MP न्यूज कास्ट से सुशील बैरागी की रिपोर्ट। पता भी नहीं चला था मुझे। और आपके खाते से राशि निकल गई? राशि का हरण हो गया है। क्या नाम है आपका? संदीप उपाध्याय। सर हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में करेली में घोटाला हुआ है 44 लाख रुपए का। कैसे घोटाला हुआ है? इनने मेरे नाम से फर्जी खाता खुलवा के लोन करवा लिया और मैंने FD में जो पैसा जमा किया था वो पैसा भी इनने निकाल लिया। ना मेरे उसमें साइन है ना कुछ। किसने निकाला है? गौतम लुनावत, हर्षित लुनावत, अंशुल लुनावत और अनवेश मिश्रा बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर। कौन है ये? अनवेश मिश्रा बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर है। और ये लुनावत जो? लुनावत जो दलाल है बैंक के। कैसे मालूम आपको कि ये पैसा निकाल लिया गया? मैं बाद में गया इनके पास तो इनने बोला कि अभी तुम्हारा केस नहीं हुआ। 10 तारीख को मैं इनके पास, 13 तारीख में गया था इनके पास। किस काम के लिए गए थे? तो इनने मुझे बुलाया था कि तुम्हारे चेक दे दो, मैं तुम्हारे 30 लाख रुपए का केस करवा देता हूँ। 30 लाख का लोन के लिए? जी। तो मैंने मेरे 30 चेक दिए थे पिताजी के, भैया के, जीजा जी के। ब्लैंक चेक दिए? ब्लैंक चेक दिए थे साइन करा के। तो इसकी शिकायत की आपने? मैंने शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ पर की शिकायत? मैंने SP साहब कहाँ की, कलेक्टर साहब कहाँ की, सब कहीं की, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे। कितना समय हो गया इस घोटाले के लिए? इस घोटाले को हो गए हैं 8 महीने। मैंने अभी, मेरे को जुलाई में पता लगा, इन्हें जनवरी में मेरे साइन करा लिए थे, वो करा लिया था केस। ना मेरे साइन थे ना कुछ।
तो आपने दस्तावेज जो दिए थे अपने लोन के लिए दिए थे? जी मैंने वो जुलाई में दस्तावेज दिए थे और इन्हें जनवरी में केस करा लिया, तो मुझे पता ही नहीं था केस का। केस किसके नाम से करा लिया? मेरे ही नाम पे करा लिया, मैं आज तक बैंक नहीं गया। पिछले साल मैंने 1000 रुपए से बस खाता भर खुलवाया था। आपको कब पता चला? मुझे अभी अगस्त में पता लगा। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने कार्रवाई की, तो अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ हुई नहीं। मैंने कंप्लेंट की सब जगह, कलेक्टर साहब कहाँ की, एसपी साहब कहाँ की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बैंक अब क्या कह रही है? बैंक बोल रहे हैं कि अब तुम पे जो बने तुम कर लो, जो तुमने खाली चेक दिए थे मैं वो बाउंस करा के तुम्हारी जमीन जायदाद बिकवा दूंगा। कौन कहता है सर? गौतम लूनावत, हर्षद लूनावत, सब बोलते हैं वो चारों। जान से मार के मारने की धमकी कौन दे रहा है? वो चारों दे रहा है, घर आते हैं रात में। कौन है ये? जे है लूनावत ज्वेलर्स करेली। क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय। सर बैंक के फर्जीवाड़े की शिकायत हुई है, क्या शिकायत है और कौन सा क्या हुआ? ये धर्मेंद्र उपाध्याय के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उसने टर्म लोन के संबंध में कोई खाता नहीं खोला था, किसी के द्वारा उसका फर्जी खाता खोला गया है। बैंक के अधिकारियों की संलिप्तता उसमें शिकायत की गई है। इसके संबंध में SDOP नरसिंहपुर से जांच करा के विधिवत जो भी अपराध बनेगा कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग हैं सर वो जिनका? ये अभी जो शिकायत की है उसमें बैंक मैनेजर अवनीश, बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक मैनेजर अवनीश मिश्रा का नाम बताया है और लूनावत गौतम लूनावत का नाम आया है। क्या कार्रवाई? जांच की जाएगी, जांच के आधार पर अगर साक्ष्य प्राप्त होगा तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की।